हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम आशीष अग्रवाल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। गाइस, आज अपन बात करेंगे कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है गाइस, सो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा ही जाता है एग्जाम में। और इवन मतलब ये दो कोई टॉपिक नहीं है अलग अलग, वैसे देखा जाए तो कलर विजन का ये क्लिनिकल है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी कोन्स नहीं होगा तो उस वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या है कैसे है, ओरिएंटेशन क्या रहेगा गाइस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कलर विजन, उसके बाद पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर विजन में ये देखेंगे कि रेटाइना जो है ना उसको कैसे पता पड़ता है कौन सा कलर है, कौन सा कलर, अपन को अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अपन को पता पड़ेगा कि वो कैसे रेटाइना को मतलब बॉडी को कैसे पता पड़ता है कि कौन सा कलर है, ठीक है। फिर देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, कोई भी कोन को निकाल देंगे तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएंगे। और उनको टेस्ट करने के लिए ECR चार्ट्स कहते हैं, जैसे कलर टेस्ट चार्ट कहते हैं, वो मालूम है ना सर्कल में ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है 21 ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है ना। वो दिखाऊंगा अभी आपको, फोटोज वोटोज दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा वीडियो में, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब एक इंटरेस्टिंग अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे बॉडी को पता पड़ता है कि ये कलर ऑरेंज है, ये कलर येलो है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कलर विजन, ठीक है। ठीक है, देखो अब जो एक विजुअल पिगमेंट होता है, ठीक है, विजुअल पिगमेंट कह लो या फोटो केमिकल कह लो, जो रोड्स कॉन्स में प्रेजेंट है, उसके दो चीजें होती है दो चीजें से मिलके बनता है। एक तो होता है रेटिनल पोर्शन, ठीक है, और एक होता है प्रोटीन पोर्शन या ऑप्सिन, ठीक है ना, इसे प्रोटीन पोर्शन भी कहते हैं। ओके, आया बात समझ में। अब देखो ये विजुअल पिगमेंट है ना, ये तीन तरह का होता है, ठीक है। एक तो होगा ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है, एक तो होगा ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, एक होगा ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है, और एक होगा रेड सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है। तो ये तीन तरह के पिगमेंट्स होते हैं मेनली, ठीक है। मेन तो प्राइमरी जो कलर्स है वो ये है ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। आप सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, जैसे इसकी ये मेनली ब्लू जो कलर है, ठीक है ना, वो किस वेवलेंथ पे देखने को मिलता है, 445 नैनोमीटर पे, ठीक है। ग्रीन 535 नैनोमीटर पे, मतलब सबकी अलग अलग है, तो मैं ऐसे ही मतलब याद करने की चीज नहीं है, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, 445 570, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, और जो कोन है, ठीक है ना, कोन उसके अंदर एक ही ये कलर प्रेजेंट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा, एक ही प्रेजेंट होगा। तो हर कोन एक सेलेक्टिव, हर कोन में एक सेलेक्टिव पिगमेंट है। अब वो सेलेक्टिव, तो इसलिए वो जो कोन है वो एक कलर के लिए खुद सेलेक्टिव हो गया, खुद सेंसिटिव हो गया, ठीक है। तो अलग तीन तरह के कोन्स हो गए जिनके अंदर ये तीन कलर के पिगमेंट होते हैं। तो अगर मान लो 445 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली कोई लाइट गिरती है तो वो अपन को ब्लू का परसेप्शन देगी, और वही कोन्स जिनके अंदर ब्लू है वही रिएक्ट करेंगे और वही टूटेंगे और वही फिर नर्व सिग्नल ब्लू का रिसेप्शन देगी, इस तरीके से। ग्रीन वाले ग्रीन और 535 नैनोमीटर की ग्रीन के परसेप्शन देगी, 570 वाली रेड का परसेप्शन देगी, इस तरीके से। अब अपन देखते हैं कि अलग अलग चीजें, जैसे अब ऑरेंज कलर येलो कलर उनका कैसे परसेप्शन होता है। बेसिक प्राइमरी तीन कलर तो देख लिए, अब उनका कलर देखते हैं, ठीक है। देखो अब होता क्या है, हाँ, तो अब देखते हैं कि अलग अलग कलर्स को कैसे मतलब परसेप्ट किया जाता है। तीन कलर्स तो बेसिक तो मैंने आपको बताया दिया, ठीक है। अब देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है अपना लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कितना परसेंटेज मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। और इधर है अपने नैनोमीटर, जैसे ये है 400 500 600, ठीक है, 700, ओके। अब देखो ये एक सेकेंड में फटाफट कर देता हूँ मैं, ये ब्लू की जो लाइट है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है, और ये जो ग्रीन की लाइट है, ठीक है, ग्रीन की यहां तक आती है ऐसे,
और ये इसकी मतलब 700 पे नहीं आती है, 700 को थोड़ा आगे कर लो, इधर तो आती ही नहीं है, यहाँ तक आई है 700। ओके सो इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से लाइट अपनी गिरी रहती है। हाँ ओके सो देखते हैं। अब देखो मान लो अगर एक अपन कहते हैं कि तूने ऑरेंज लाइट गिराई, अब ऑरेंज लाइट गिराई का क्या मतलब है, जो ऑरेंज लाइट होती है ना वो इस तरीके से जाती है यहां से इस तरीके से, तो यह है ऑरेंज लाइट, ठीक है। तो वो रेड जो है कोन्स उनको 99% तक स्टिमुलेट करती है और जो ग्रीन कोन्स है उनको करती है 42% तक। तो इस ये जो रेशियो बना, क्या बना समझ में आ रहा है, एक रेशियो बन गया। मान ऑरेंज मोनोक्रोमेटिक लाइट इसका ना इसका है 580 नैनोमीटर की, ठीक है। तो ये रेड कोन्स को करती है 99% तक स्टिमुलेट और ग्रीन कोन्स को करती है 42% तक, तो इसका एक रेशियो बन गया, दैट इज 99:42:0। जीरो कैसे, 99:42:0, ठीक है। जीरो कैसे, क्योंकि ब्लू कोन्स जो है उनको बिल्कुल स्टिमुलेट नहीं कर रही, आई बात समझ में। तो ये जो इस कोड को अपना जो नर्वस सिस्टम है परसेप्ट करता है कि ये ऑरेंज कलर है, आई बात समझ में। अब मान लो येलो कलर की लाइट है, ठीक है, तो येलो कलर की लाइट किस तरीके से आएगी पता है, इस तरीके से। मान लो ये लाइट आई, ये येलो, तो येलो वाली ग्रीन को भी 83% करती है और रेड को भी 83% करती है। तो येलो का जो कोड होता है वो हो जाता है 83:83:0। अब मान लो प्लेन ब्लू लाइट आ रही है, ठीक है, मान लो ये प्लेन ब्लू लाइट आई, ठीक है, ये ब्लू, तो ये ब्लू को तो किस में कर रही है 97% पे, ठीक है, और रेड और ग्रीन को छू भी नहीं रही, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट का कोड हो गया 0:0:97। तो इसको अपना सिस्टम परसेप्ट करता है ब्लू की तरह, आई बात समझ में। तो ये है कलर परसेप्शन का मतलब, समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो इससे अपन अलग अलग कलर्स को पहचान पाता है, अपना जो नर्वस सिस्टम अलग अलग कलर को पहचान पाता है। अब देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक क्लिनिकल है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, मान लो अगर कोई एक कोन भी अपने बॉडी से मिसिंग है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं, चलो अभी नहीं मैं मान रहा है, एक मान लो एक कोई भी अपना कोन बॉडी से मिसिंग है, तो जो भी उसके इफेक्ट आएंगे अलग अलग कलर्स पे, है ना, वो सब कलर ब्लाइंडनेस में आएगा। जैसे एक कोन की वजह से जो भी कलर अपन देख नहीं पा रहे, तो उस उन सब कलर्स के लिए अपन कलर ब्लाइंडनेस हो गए किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोन की वजह से। थ्री टाइप ऑफ कोन है ना, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, मान लो रेड और ग्रीन जो कोन है, रेड एंड ग्रीन कोन, अब ये दोनों कोन के चार बहुत सारे कलर्स के लिए करते हैं मतलब कोडिंग, ठीक है ना। अभी अपने चार कलर देखे कौन कौन से, येलो, ऑरेंज, खुद रेड और ग्रीन, ठीक है ना। तो चार कलर कौन से हो गए, रेड, ग्रीन और जो इनके बीच में भी अपन ने देखे येलो, ठीक है ना, इसका क्या था 82:83:0 और ऑरेंज, है ना, ये चार कलर। तो इनमें से अगर एक भी कलर नहीं होगा तो ये तीनों कलर पे फर्क आएगा, जो भी इससे जुड़े हुए कलर से एक भी अगर कोन नहीं होगा तो तीनों कलर पे फर्क आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस और अपन कोई डिस्टिंग्विश कर भी नहीं पाएंगे स्पेशली कोई भी कलर को। अब जैसे रेड कोन नहीं है तो येलो ऑरेंज को तो करना बहुत ही मुश्किल होगा और रेड तो बिल्कुल ही अपन को दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, कितना क्लियर है। और इसी चीज को अपन कहेंगे, अगर इस तरह की चीजें नहीं है तो अपन कहेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन इन ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, अब इन चीजों को अपन पकड़ते कैसे, कैसे अपन को पता पड़ता है किस तरह का कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो अच्छा एक और बात इसके बारे में, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पढ़ा होगा 12th क्लास में, नीट में पढ़ते अपन कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड वाला, ठीक है, ये वाला एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेनली मेल्स एक्सक्लूसिवली ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कलर टेस्ट चार्ट कैसे पता करेंगे कि कौन सा चीज है, ठीक है, कलर टेस्ट चार्ट, इशिहारा चार्ट, इसका मतलब इस तरीके से भी नाम है इशिहारा चार्ट, ठीक है। अब देखो एक सामने आपको एक फिगर दिख रही है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल कलर विजन वाला आदमी है,
ठीक है, अगर आप भी होंगे तो आपको स्क्रीन पे, हालांकि ये तो स्क्रीन तो ब्लर होगी, खैर मतलब इतना क्लियर नहीं होता, बुक में क्लियर है। तो जो नॉर्मल विजन वाला इंसान है ना, उसको ये दिखेगा वर्ड 74, ठीक है। लेकिन जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना, उसको ये मिले दिखनेगा 21। ये इस तरीके से बनाए होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है तो उसको ये पूरा दिखता नहीं है, वरना है तो ये भी 4 ही लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको दिखेगा 21। ओके, आई बात समझ में। चलो एक और चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक और चार्ट देखो, इसके अंदर जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो इसको देखेगा 42 की तरह, ठीक है। लेकिन जो रेड ब्लाइंड है उसको 4 दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस तरीके से बनाया गया है, 4 कलर जो मेनली रेड के लिए बनाया गया, तो 4 दिखेगा नहीं, 2। और जो ग्रीन ब्लाइंड है उनको सिर्फ ये 4 दिखेगा, तो रेड ब्लाइंड को सिर्फ 2 दिखेगा, ग्रीन ब्लाइंड को 4 दिखेगा, इस तरीके से। आई बात समझ में। अच्छा एक नोट लिख लीजिए, जो अपन सफिक्स है, ठीक है ना, रेड के लिए और ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, तो रेड के लिए तो वर्ड यूज करते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स प्रोट, ठीक है। ग्रीन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ड्यूटेर, और ब्लू के लिए ट्राइट, ठीक है। अब मान लो किसी के पास रेड कोन्स बिल्कुल ही नहीं है, तो अपन वर्ड यूज करेंगे प्रोटे नोप, ये प्रोट वर्ड जो प्रीफिक्स है वो रेड के लिए। ऐसे आया बस समझ में। तो लैक ऑफ रेड कोन्स हो गया प्रोटे नोप। ओके, ये छोटा सा एक नोट था। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिजियोलॉजी के, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीवीएस सीएनएस, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ठीक है, जिससे मैं और जल्दी वीडियो डालू। जितना ज्यादा मेरे पे मतलब तुम लोग लाइक कमेंट करोगे ना, इतना मेरे पे एक प्रेशर भी आएगा, और एक हैप्पीली मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन करें, वहां पे अपन इंटरेक्ट ज्यादा कर पाते, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।